की मुगलपुरा थाना पुलिस ने आज एक अवैध असला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में तबंचे और कारतूसों की एक खेप बरामद करके इस गैंग के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो वही अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1,00,000 रुपए का इनाम मुरादाबाद पुलिस के गुड वर्क को देखते हुए दिया गया है। मुरादाबाद के SSP ने पूरे मामले का खुलासा मीडिया के सामने करते हुए बताया है कि गैंग के कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत मुरादाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुगलपुरा थाना पुलिस ने आज ऐसे 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध तपंचा बनाने की एक फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में देशी तपंचे और 315 बोर के कारतूसों की एक खेप भी बरामद की है। साथ ही इनके कब्जे से एक कार भी मिली है। इसी के माध्यम से ये लोग इन अवैध तपंचों को दूर दूर तक पहुंचाते थे। घटना का खुलासा करते हुए SSP हेमंत कुटियाल ने बताया कि थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा आज एक अवैध असलाह की फैक्ट्री को पकड़ा गया है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये मुरादाबाद के ही अलग अलग थानों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अजवाने तमंचे बरामद किए हैं और साथ ही भारी मात्रा में लोकल पीतल से बने हुए कारतूस भी बरामद किए हैं। इन अपराधियों पर कई संगीन धाराओं में पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रमुख बात यह रही है कि ऑपरेशन पाताल के इस कार्य को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1,00,000 का इनाम टीम को दिया गया है। मुरादाबाद के अलावा जहां भी इन्होंने सामान बेचा है, वहां की जानकारी की जा रही है और सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना मुगलपुरा द्वारा आज एक अवैध असले की फैक्ट्री को पकड़ा गया है। इसमें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महमूद, मिकी, नवाब, इलियास, साइम और रहतास नाम के व्यक्ति हैं। ये थाना डिलारी, कटघर और मूड़ा पांडे और गलशहीद के रहने वाले हैं। और इसमें जो रिकवरी हुई है, 5 अवैध तमंचे जो पूर्व निर्मित है वो मिले हैं, 315 बोर के, 12 बोर का एक तमंचा मिला है, 4 अधबने तमंचे मिले हैं 12 बोर के, 23 नाले मिली हैं। इसके अतिरिक्त सबसे उल्लेखनीय बात है कि 64 जो है एकदम ब्रांड न्यू हमें इसमें जो एम्यूनिशन है वो मिला है, जो इनके द्वारा बनाया गया है और ये लोकली प्रोक्यूर्ड आइटम्स पीतल से बनाया गया है। और 315 बोर के ये जो फैक्ट्री मेड है उसकी रेप्लिका है जो उन्होंने तैयार करी है। और इनके द्वारा क्या कहते हैं, ये हमारी टीम द्वारा ये जब्त किए गए उनके खिलाफ 69/22 मुगलपुरा से लेके 74/22 मुकदमे, 6-7 मुकदमे इनके ऊपर लिखे गए हैं। इनकी गिरफ्तारी भी पूर्व में भी इनके ऊपर करीबन किसी पे आधा दर्जन किसी पे दर्जन अपराध इसमें रह चुके हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इतिहास इनका क्या कहते हैं काफ़ी दागी रहा है और एक अच्छी रिकवरी हुई है। और एक और उल्लेखनीय बात यह है कि अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा इस कार्य में 1,00,000 रुपए का इनाम टीम को दिया गया है। सर मुख्य आरोपी कौन है और ये कौन कौन से जनपद में सप्लाई करते हुए? देखिए, अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आपस में अभी ये बात आई है, कुछ सूचनाएं हमें मिली है जहाँ जहाँ पर इन्होंने इसको बेचने का प्रयास किया गया है और बेचा गया है। सर ये 315 के जो बुलेट हैं, सर ये पहली बार सामने आया है कि जनपद मुरादाबाद में ये बुलेट बनाई जा रही थी, तो सर कैसे बनाते थे ये लोग? देखिए, इनके पास क्या कहते हैं एक मशीन है जिससे ये रोल किया जाता है, जो उनके द्वारा बताया गया है। मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीनिंग प्रोसेस है, उससे यूज़ किया गया है और लोकली प्रोड्यूस आइटम से ही, प्रोक्योर्ड आइटम से ही उन्होंने बनाया है। तो और अभी क्या कहते हैं, और विस्तृत जानकारी करने की आवश्यकता है, जो विवेचना का पार्ट है इसमें हम लोग उसको गहराई से जाएंगे और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर मुरादाबाद में इनकी लोकेशन पे करते थे अलग-अलग? मुरादाबाद में ये अलग अलग लोकेशन पे करते थे, तो जो सूचनाएँ हमें आई थी कि अलग अलग लोकेशन पे, बट क्योंकि ये मूवेबल पार्ट्स हैं तो ताकि एक जगह कर रहे पे पकड़े जाने की संभावना होती थी, तो इसलिए अलग अलग जगह मूवमेंट करके लोग बनाते थे। सर SOG से इनकी मुठभेड़ भी हुई है, पुलिस SOG कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इनके द्वारा क्या कहते हैं, पुलिस पे फायर किया गया बट इसको नॉर्मली अरेस्ट किया गया। देखिए, इनमें से सभी लोग क्या कहते हैं ने एक्नॉलेज किया कि सभी लोग की असला बनाने में उनकी विधि प्राप्त है, सब लोग को बनाना आता है और इसमें सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, कोई मास्टरमाइंड ऐसा सच नहीं है। बट जो इलियास नाम का व्यक्ति है, ये मुख्यतः ये जो हमारी बुलेट्स हैं इसकी मशीनिंग करने का मास्टर है। ये मशीनों का इस्तेमाल
देखिए मशीनिंग करने के लिए क्या कहते हैं पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, ये कारीगर कारीगरी इनकी क्या कहते हैं काफ़ी एक्सपर्ट है, क्योंकि बुलेट्स बनाने वाला क्या कहते हैं एक लेवल ऑफ क्या कहते हैं आर्टिशन चाहिए, तो इनकी कारीगरी से ही लोगों ने बुलेट्स बनाई है। और मुरादाबाद से भी बाहर कहीं अगर इन्होंने बेचा है तो वो चीज़ अभी विवेचना में हम लोग कर रहे हैं, वो उसका पार्ट है। तो कैसे सप्लाई करते हैं अभी, वही मैंने बता दी ये सब विवेचना का पार्ट है, उसको आगे जाके सर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सब पुलिस जो है वो अलर्ट पर है, ऐसे में ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है कितना असरदार है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जैसे ही जान रहे हैं कि शासन द्वारा ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का नो आर्म्स इलीगल आर्म्स और क्या कहते हैं किसी प्रकार के आर्म्स का दुष्प्रयोग ना हो, यही क्या कहते हैं शासन की मंशा है और उसी का ये पार्ट है ये कार्रवाई। सर इनके साथी सदस्य अभी